जय हिंद बच्चों, वेलकम टू माय इंग्लिश क्लास। लास्ट टाइम हम इंग्लिश में 8th चैप्टर कर रहे थे इंग्लिश ग्रामर के, और इसका हम एक्सरसाइज भी कर रहे थे। ए और बी कर चुके हैं, अब हम सी पे चलते हैं। ठीक है, सी है फिल इन ईच ब्लैंक विद अ सुटेबल मस्कुलाइन और फेमिनाइन नाउन। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है और इसमें मस्कुलाइन या फिर फेमिनाइन फिल करना है। तो शुरू करते हैं। पहला है लेडीज एंड डैश वेलकम टू द पार्टी ऑफ दिस इवनिंग। लेडीज़ के साथ क्या बोला जाता है? जेंटलमैन। लेडीज़ क्या है? फेमिनाइन वर्ड है, और जेंटलमैन क्या हो गया? मस्कुलाइन। तो यहाँ आएगा जेंटलमैन। ठीक है, सेकेंड है माय अंकल एंड डैश लिव्ड इन अमेरिका। अंकल क्या है? मस्कुलाइन वर्ड है, तो इसके डैश में क्या आएगा अगला? फेमिनाइन। अंकल के साथ आंट। ठीक है, माय अंकल एंड आंट लिव्ड इन अमेरिका। थर्ड है द किंग एंड क्वीन हैड टू चिल्ड्रन अ बॉय एंड अ डैश। क्या आएगा इस वाले पहले वाले फिल इन द ब्लैंक्स में? इसमें आएगा बॉयज एंड गर्ल। बॉय क्या मस्कुलाइन है, तो बॉय का फेमिनाइन क्या हो जाएगा? गर्ल। तो यहाँ पे लिखेंगे गर्ल। आगे है द प्रिंस वॉज 8 एंड डैश वॉज 5। प्रिंस कितने साल का है? 8। और फिर प्रिंस का क्या हो जाएगा? फेमिनाइन प्रिंसेस। ठीक है, प्रिंसेस कितने साल की है? 5। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। फोर्थ है द स्टेवर्ड एंड द डैश लुक आफ्टर द पैसेंजर्स ऑन अ प्लेन। स्टेवर्ड क्या? स्टेवर्ड का क्या आएगा? फेमिनाइन स्टेवर्ड्रेस। ठीक है, फिफ्थ है होस्ट एंड द डैश वेलकम्ड द गेस्ट होस्ट एंड होस्टेस। ठीक है, होस्ट का फेमिनाइन होगा होस्टेस, तो यहाँ फिल करेंगे होस्टेस। सिक्स्थ है माई मदर एंड डैश ब्रदर एट अ टी शर्ट सॉरी माई ब्रदर एंड डैश बॉट अ टी शर्ट फॉर माई कजन। मदर, मदर एक क्या है? फेमिनाइन वर्ड है। मदर का मस्कुलाइन क्या हो जाता है? फादर, तो यहाँ पे लिखेंगे फादर। सेवन है द बॉय एंड द डैश वेंट टू सी अ फिल्म। बॉय का फेमिनाइन क्या आ जाएगा? गर्ल। गर्ल, ठीक है, क्या बन जाएगा पूरा? द बॉय एंड द गर्ल वेंट टू सी अ फिल्म। एट है द डक बॉब्ड टू द किंग एंड द डैश। डक क्या करता है? झुकता है। किंग एंड डैश, डैश क्या हो जाएगा? किंग का फेमिनाइन क्या होगा? क्वीन। ठीक है, क्वीन के आगे झुकता है, प्रणाम करता है। नाइन है द गेंडर एंड द डैश हैड 7 लिटिल गूसलिंग्स। गेंडर का फेमिनाइन, गेंडर का क्या हो जाएगा? गूस, यहाँ पे आएगा गूस। 10 है द पिकॉक एंड द डैश स्टे वेरी क्लोज टू देयर चिक्स। पिकॉक, पिकॉक का क्या हो जाएगा? पी हैन, यहाँ पे आएगा पी हैन। स्टे वेरी क्लोज देयर टू देयर चिक्स, ठीक है, अपने बच्चों के बहुत ही नज़दीक है। ओके बच्चों, तो इन्हें आप सुंदर सुंदर राइटिंग में करेंगे और ये चैप्टर फिनिश हुआ, और याद भी करना है। जय हिंद बच्चों।